हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती, जो न्यू वैकेंसी आपकी आने वाली है इसी को लेकर न्यूज़ आ रखी है। और अभी एक दो दिन पहले मैंने इस फाइल के ऊपर वीडियो भी बनाया था, तो आप में से कुछ भाई थे जो कमेंट कर रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है। तो दोस्तों, आप सभी को प्रूफ देना चाहूँगा कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, एकदम ऑफिशियल प्रूफ है और आपकी इसके जो ऑथेंटिक न्यूज़ भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो राजस्थान पत्रिका के न्यूज़पेपर की खबर है एंड जो अदर टीवी चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है, जैसे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान हो गया, उसके ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिला होगा कि जो बिजली कंपनियों में 1571 पदों पर भर्ती होगी एंड साथ ही में जो आपके 955 पद जो LDC के एंड जो 769 पद है वो है आपके टेक्निकल हेल्पर थर्ड की, जो 8वीं पास आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, जो हेल्पर थर्ड वाली वैकेंसी है, तो ये सब मिलाकर आपके 3295 पदों पर टोटल ये आपकी वैकेंसी आएगी, जैसा कि इस न्यूज़ के अंदर बता रखा है। तो हम देख लेते हैं इस न्यूज़ को डिटेल के साथ। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को धुरीना एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ से आप अपनी जो राजस्थान पुलिस रीट, JVNL, RPSC, अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं धुरीना एप्लीकेशन पर, जहाँ पर आपको लाइव क्लास, फ्री नोट्स, वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके लिए जो आपको फुल कोर्स है, जो टेक्निकल हेल्पर है, उसका भी कोर्स आपको धुरीना एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं इस न्यूज़ के अंदर क्या बता रखा है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं अजमेर डिस्कॉम के इन पदों पर होगी भर्ती। तो आपके टोटल है जो 1571 पदों पर पहले वैकेंसी आएगी। तो इसकी न्यूज़ में आप सभी को वीडियो के अंदर बनाकर बता चुका हूँ, दो वीडियो मैंने पहले बता दिया है जिसमें आपको कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1571 पद है, जिसमें जो RVPNL है उसके अंदर 120 है एंड जो RVUNL है तो उसके अंदर 776, JVNL के अंदर 253 है एंड जो JDVVNL के अंदर 241, AVNL के अंदर 181 एंड जो सर्वाधिक है आपकी जूनियर इंजीनियर के अंदर। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है 842 और जूनियर अकाउंटेंट की है 395। तो जूनियर इंजीनियर के अंदर इसमें सिर्फ बीटेक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते, क्योंकि JVNL के अंदर जो डिग्री वालों का ही ज़्यादा मौका दिया जाता है और LDC के लिए भी जो अपने ग्रेजुएशन वाला है वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो आपकी टेक्निकल हेल्पर थर्ड की वैकेंसी आ रही है, इसके लिए सिर्फ 8वीं पास है और जो हेल्पर सेकेंड की अभी निकल चुकी है 10वीं पास एंड जो हेल्पर थर्ड वाली वैकेंसी है ये सिर्फ आपकी 8वीं पास वैकेंसी रहेगी दोस्तों। तो इन सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वीडियो मैंने डिटेल्स में आपको बनाकर बता दिया है, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप ये ऑथेंटिक न्यूज़ देख सकते हैं, जो राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर है, अजमेर के न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ आ रखी है कि 1571 पर होगी एंड साथ ही में आपके जो 955 पद LDC के है एंड जो 769 आपके जो हेल्पर थर्ड वाली वैकेंसी है वर्कमैन की रहती है, जो सबसे लास्ट की वैकेंसी है फोर्थ क्लास के इक्वल रहती है, तो ये 8वीं पास आपकी वैकेंसी रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी देनी थी और आप ये ऑफिशियल फाइल भी देख सकते हैं जिसमें आपको बता रखा है। तो जैसे इलेक्शन अपने कंप्लीट हो जाते हैं, निकाय चुनाव पूरे होते ही ये वैकेंसी आपकी निकाल दी जाएगी। तो आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। और आप कह रहे थे कि जो मैं एडवांस में वीडियो क्यों बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों, एडवांस में वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ वैकेंसी आने से पहले, ताकि जो हमारे साथी है जो तैयारी कर सके अच्छे से। ठीक है, इसीलिए मैं पहले वीडियो बनाकर बता देता हूँ वैकेंसी आने से पहले, ताकि जो हमारे दोस्त हैं सभी अपने टाइम से पहले ही तैयारी कर लें। क्योंकि जैसे ये वैकेंसी आती है, इसमें सिर्फ आपको 2 महीने का टाइम मिलता है एग्ज़ाम के अंदर, जो JVNL की वैकेंसी रहती है, तो इसलिए आपको पहले से बताकर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।